नॉट बिकॉज के घूमना फिरना बंद हो जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, बट ये कि लोगों को फिर से अगर घर पे बैठना पड़ा और काम नहीं करेंगे तो वैसे भी बहुत तकलीफों से गुजरे हैं। एंड ऐसे में आप जानते भी हैं करंटली सिचुएशन कैसी चल रही है हमारे देश में, है एक जगह आंदोलन चल रहा है, कुछ जगह और चल रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप लॉकडाउन कर दोगे तो महंगाई सिर्फ बढ़ती जाएगी, बिकॉज इवेंचुअली सरकार को भी तो कॉम्पनसेशन चाहिए ना, अपने टैक्सेस जमा करने हैं, तो भाव ही बढ़ते रहेंगे। उससे अच्छा तो ये है कि लॉकडाउन ना हो, इसलिए आप प्लीज अपनी यू नो सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, मेंटेन द डिस्टेंस। एंड आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंस बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एक लोकल ट्रेन में हम अब 2 गज की दूरी नहीं रख सकते, पर कम से कम ये तो कीजिए कि हो सकता है तो एक जो आप रोज 8:40 की ट्रेन लेते हैं वो ना लेके आप 9:30 की ले लो, डिवाइड योरसेल्फ। एंड और एक और अच्छी बात जो करण रोज करते हैं वो स्टीम लेते हैं। या आई डू दैट एवरी डे, विटामिन सी, इम्यूनिटी बढ़ाओ, स्टीम लो, हमारी खुद की सुरक्षा हमारे हाथ में होती है, ये सब भी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि घर से अगर आप घर से बाहर निकले हो तो आते वक्त आते ही सबसे पहले टेक अ स्टीम, इनहेल स्टीम फॉर 10 मिनट्स, टेक अ शावर एंड उसके बाद आप किसी से मिलिए या जो भी करना है उसके बाद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इसलिए बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें मेरी ही मैच करती हैं, मैं वही सोच रहा तेरे को भी ऐसा होता है ना जब फिल्में देख के कोई बात करता है मैच से कि वो करो यार। यहाँ पे आप खुलो यहाँ पे देखने के लिए। आप लोग सुबह से हैं? हाँ। कल और परसों, ये कल से संडे हो। मैं शायद आऊंगा जब मम्मा के पास संडे को, शायद मैं देखते हैं फिनाले फिनाले फिनाले। लास्ट में तो हम लोग फिनाले में थे बैठे और प्रमोटिंग कंट्रोल भी खिला रही है। एक साल हो गया था, साल पता ही नहीं चला सरप्राइज के लिए। एग्जैक्टली दिस टाइम लास्ट ईयर ये करीना कपूर वाला शो यहाँ शूट होता है या अपने कहीं और सेट पे? स्टूडियो स्टूडियो ये स्टूडियो और सही है ना, ये हर मैन स्टूडियो यशराज। हाँ प्रीति ओली उस कॉलेज ने हमारे इंटरव्यूज के बीच में फिर संगली है जो उसको गाने से लाइक कर दिया बोला ना, ये जो है ना सुनो ना ये जो है ना अरे पर ये सुन सुन ये कोई पूछा तो ऐसे अरे अरे ब्लैंक फोन अच्छा प्रीति प्रीति अरे ब्लैंक फोन है ब्लैंक फोन कुछ नहीं है तू कहाँ पर है ऑफिस में अरे यार ये पागल है ओके बाय आई थिंक यू टॉक ऑफिस में आप फोन करो मेरे शहजादी बिगड़ो सिटिंग नॉट द सीट थोड़ा खड़े खड़े हो जाओ बाबा खड़े हो जाओ। हां बस 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 मैं थोड़ा पीछे आ जाऊं।
so cold here, man. Yes. How do you guys? आप लोग कैसे नॉर्मली खड़े हुए यार? इतनी ठंडी. Thank you. Thank you. Great. Thank you. Okay. 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 Thank you. Thank you, sir. माहिया माही. नहीं भी करोगे तो लाइट. फोकस करोगे. ये अच्छा ये बनाना है. Yeah. Done. ये कोई लुक स्पेशल है कुछ? सर मेहनत ही है, कोशिश जा रही है. ये आओ. Yes, sir. Correct. So, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much, sir. क्या कहना चाहेंगे, you know, शार्दुल का बिग बॉस के बाद जो ये उनका नया अवतार है उसके बारे में? यार वो एक ऐसा लड़का है, वो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते रहता है. He doesn't, I mean, वो किसी एक चीज को लेके लाइक बीट एज एन एक्टर कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट करता है. वो एकदम अचानक से बिग बॉस पे घुस गया. ये नहीं पता था कि ऑल ऑफ अ सडन ही इज गोना कम अप हियर एज एन आरजे. बिकॉज जब से मैं शार्दुल को फर्स्ट टाइम जानता था, मैं आई वॉज हाँ ये सुनने में बहुत अजीब लगे बट मैं बच्चा था. तो शार्दुल इज ऑल्सो माई एज बट ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ वेरी यंग एज. आई बिलीव ही वॉज एन आरजे इन इंदौर, प्रीटी नोन आरजे. सो अभी उसको भी मैं याद दिलाऊंगा से ये चीज़ याद होगी कि नहीं होगी. मेरे स्कूल में एक बार भाई साहब आए थे, तब रेडियो मिर्ची नया नया लॉन्च हुआ था एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम इंदौर. सो या दिस गाय हैज समथिंग इन हिम एंड वेरी स्पॉन्टेनियस एंड लेट्स सी. आई मीन यू ऑल नो हाउ इट गोज विद हिम. जिस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही है, अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला बीच में बहुत लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में थे और yes. बाद में बिग बॉस एंट्री के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई इस तरह से. Correct. तो कहीं ना कहीं एक तरह से इंस्पिरेशन है लोगों के लिए जस्ट बिकॉज़, क्योंकि लोग अपने आप को यू नो जब प्रॉब्लम में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं घुटने टेक देते हैं. डेफिनेटली बिकॉज़ दैट्स व्हाट एवरीवन नोज एंड इनफैक्ट ही हैज ये उसने सबके सामने एक्सेप्ट भी किया था. ही इज अ फाइटर. आखिर हमारे शहर से है, हम एक ही शहर से है, इंदौर से है. तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट और वो वाला मैं एंगल जरूर लेके आऊंगा. बट ही हैज रियली सीन रियली आई वुड नॉट से बैड टाइम, इनफैक्ट द हार्ड टाइम टू फाइट फॉर. And what he is right now, what we can see, जिस तरीके से हम उसे आज देख रहे हैं, so he is a pretty successful man. Yeah, concluded. चलिए आज सुबह से उनका कंटिन्यू चल रहा है शो, तो क्या-क्या सोच क्या है कि कुछ किस-किस बातों पर मतलब मुद्दों पर बात शुरू होगी, क्या होगा? यार उसके सामने कुछ भी सोच के आओ ना, उस भाई साहब उसका कोई भरोसा नहीं है. यू मे नेवर नो वो कौन सा क्वेश्चन लेके सामने आ जाए. इनफैक्ट मैंने जब वो फर्स्ट लाइव उसने आज स्टार्ट करा था इन द मॉर्निंग, आई वॉज बोर्डिंग द फ्लाइट.
मैं भी आज ही मुंबई आया हूँ, तो मैं तब से देख रहा हूँ, और अभी मैंने जस्ट उसकी शक्ल भी देखी कि वो कितना एग्जॉस्टेड है. एंड सो दिस इज व्हाट दैट गाय इज मेड ऑफ. सो आई एम वेटिंग, आई हैव फ्यू थिंग्स इन माई माइंड. अगर वो उसने बोलने दी, हालांकि आई थिंक आई वांट टू टेक ओवर, मैं टेक ओवर कर लूंगा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ही इज प्रीटी टायर्ड, सो लेट मी जस्ट टेक ओवर द शो, नॉट रियली द शो बट या समथिंग. लुक चेंज हो गया आपका, क्या बात है? हाँ, लुक थोड़ा सा चेंज किया है मैंने. I was done with clean shaven and all that, so I'm trying to be a baddie again. Yeah. तो कुछ नया मतलब किसी चीज़ का लुक है आने वाले? Yeah, I proposingly I am working on a particular look presently. I have few things coming up very soon, so yeah. Big Boss देख रहे हो? Big Boss, frankly, जब से ये निकला है मेरा थोड़ा देखना कम हो गया. Frankly, मतलब genuinely. अब पता नहीं कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लोगे तो मुझे नहीं पता है. तो नहीं, एक्चुअली पिछले 1.5 महीने से नहीं देखा है, फ्रैंकली बताऊं नहीं देखा, बिकॉज आई एम इन माई होम टाउन, आई एम कीप ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, सो लेट नाइट्स वाला सीन होता नहीं है, आई स्लीप अर्ली, तो थोड़ा सा उस जोन से बिग बॉस से बाहर. तो इसकी हरकतें देखने के लिए देखते थे हम लोग, एंड देन मी एंड माई वाइफ, फ्यू ऑफ माई कजिन इन माई हाउस, सो दे नो हिम, सो समवेयर वी यूज्ड टू टॉक एंड बुलशिट अबाउट हिम ऑल्सो. जो पूरे टाइम घर पे रही है सब शूट होते ना दादा, तो वही क्रू के सेफ्टी के लिए एंड ऑल वी हैव टू डू. अभी तो फील भी होना बंद हो गया मेरे को कोविड के लिए, वो सब ऐसे घुसेड़ते रहते हैं. बस अब मैं शर्मा जाऊंगा, इतना आप तारीफ करेंगे. थैंक यू सो मच. क्या जानना चाहेंगे आप मेरे लुक के बारे में? This is from Gucci. The t-shirt is Gucci and I don't know what the pants are. I think Diesel, I don't know. Shoes are not visible, but they are Versace ka shoes. And baki sare accessories and everything that you can see. But I'm very happy. Thank you for the compliment. Okay. So, aaj Shardul ko aap support karne aaye hain. So, kya kuch bolna chahenge? Kitni excitement hai aur kya kuch baatein chali aaj live show ke dauran? शार्दुल और मेरी बहुत अच्छी कनेक्शन बन गई थी बिग बॉस के घर में, हालांकि वी स्टेड टुगेदर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम. एंड वहाँ से ये बात चली थी शो की, घर के अंदर ही शार्दुल ने मुझे बताया कि यू नो ऐसा एक प्लान कर रहा हूँ मैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है. एंड आज वो दिन आया जब यू नो उसने अपने एक आइडिया को एक हकीकत में बदला, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. एंड डेफिनेटली मुझे तो इस चीज़ का पार्ट बनना ही था, बिकॉज ये मेरे सामने यू नो ये पूरी बात चली थी. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. आज खूब मज़े किए, खूब सारी बातें की रिलेटेड टू बिग बॉस ऑल्सो. एंड गाने भी गाए खूब सारे, गाने डेडिकेट किए काफ़ी सारे. सो इट वॉज फन ओवरऑल, इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. जिस तरह से आपकी जर्नी रही है और शार्दुल की रही है, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? शार्दुल से मैं इतना कनेक्ट इसलिए हुआ बिकॉज आई थिंक मी एंड ही आर वेरी वेरी सिमिलर ऑन वेरी वेरी लाइक यू नो प्रिटी मच अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स. मुराल्स ले लेंगे तो मतलब यू नो हमारी सोच बहुत मिलती है, वैल्यूज़, अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग. आई थिंक आई कैन रिलेट टू शार्दुल
एंड जब हम बिग बॉस के घर में थे हम खूब सारी बातें करते थे. वेरी वेरी पॉजिटिव हैप्पी सोल शार्दुल इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी सोल. एंड मैं भी वैसा हूँ. तो हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई बहुत छोटे टाइम में. एंड वी हैड प्रॉमिस्ड ईच अदर कि बिग बॉस के बाहर भी जब हम मिलेंगे तो दिस विल बी द इक्वेशन. एंड इट्स बिन द सेम एवर सिंस यार. आई मीन तब से लेके अब तक आई थिंक वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड वो वैसे ही रहेगा मेरे लिए लाइफ लॉन्ग. सो आपकी मम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि या क्या बोला आई डोंट नो बट मुझे पर्सनली बहुत बोला. आई वेंट इनटू द कनेक्शन वीक बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं सीजन एंड पे आ चुका है. एंड आई वुड से लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. एंड यू नो जो भी हो गया उसे अगर आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ो तो आप भी खुश रहोगे सामने वाला भी खुश रहेगा. उस चीज़ को आप अगर पाल के उसको अपने अंदर रख कर आगे चलोगे तो आप भी नेगेटिव देखोगे. एंड कहीं ना कहीं आई एम नॉट अ नेगेटिव सोल सो आई लाइक टू मूव ऑन एंड लाइक यू नो फॉरगिव एंड फॉरगेट. एंड ये घर में भी मेरे को इस बात पर बहुत झाड़ा गया. सो इसलिए मैं आई वेंट इन टू द सपोर्टर्स वीक बिकॉज जो हो गया उस पर अगर हम लोग रहते तो आई थिंक गेम दोनों का ही खराब होता. दिव्य जिसके बिना कुछ नहीं होता मार्केटिंग का
मैंने एक मिनट चलो।